तो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों हमारी स्क्रीन के मोबाइल पे जैसे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे अनसेफ ऐप फाउंड, यानी कि दोस्तों ये हमारे मोबाइल के लिए सेफ नहीं है। इसको बता रहा है ए ट्रांसलेटर, मे पुट योर डिवाइस एट्रिस, यानी इसको अपने डिवाइस में रखने का बहुत ही बड़ा रिस्क हो सकता है। इसीलिए दोस्तों ये आपके मोबाइल के लिए सेफ नहीं है, आप इस ऐप को डिलीट कर दीजिए। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे मोबाइल में जो भी कोई ऐप अगर हमारे मोबाइल को हार्मफुल पहुँचाता है तो ये हमारा जो सेटिंग है ये बता देता है। दोस्तों ये कैसे आपके मोबाइल में पता चल पाएगा कि आपके मोबाइल के लिए कौन सा ऐप जो है बहुत हार्मफुल है और आप उसको कैसे डिलीट करेंगे, आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो अनसेफ ऐप फाउंड, यानी कि यहाँ पे बता दिया कि ये हमारा जो है ये सेफ नहीं है। आई ट्रांसलेटर जो है दोस्तों हमारे मोबाइल के लिए सेफ नहीं है, इसको हमें डिलीट करना होगा। तो दोस्तों इसको कैसे, आखिर ये कैसे सेटिंग हुई है और इसको अपने मोबाइल को कैसे सेफ रख पाएंगे, आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग को ओपन कर लेना है। मोबाइल के सेटिंग को जैसे ही आप जैसे ही ओपन करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको डिवाइस एंड प्राइवेसी का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों ऊपर देख सकते हो गूगल प्ले स्टोर का ऑप्शन आता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों देख सकते हो प्ले प्रोटेक्शन जो डिवाइस में भी है रिस्क, दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर आपका हार्मफुल हो सकता है, रिस्क हो सकता है आपके मोबाइल के लिए। ये हमारा जो है अनइंस्टॉल अनसेफ ऐप, यानी अनइंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है। इसको मैं क्या करता हूँ, अनइंस्टॉल कर ही देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये हमारा मोबाइल जो है दोस्तों आपको थोड़ा सा जैसे ही ढेर दिन अपना मोबाइल यूज कर लेंगे, ज़्यादा दिन यूज कर लेंगे तो क्या होता है कि दोस्तों आपको कोई कोई जो वर्जन थोड़ा हाई होता है तो ये आपके मोबाइल के लिए सेफ नहीं होता है, जिसकी वजह से ये हमारा सेटिंग ऑन रहेगा तो आपको बता देगा कि आपका मोबाइल जो है ये जो हमारा ये ऐप है ये आपको हार्मफुल आपके मोबाइल को पहुँचा रहा है, तो आप इसको डिलीट कर दीजिए और आपका मोबाइल तब दोस्तों ज़्यादा दिन तक अच्छे से चलेगा बिना कोई हैंगिंग प्रॉब्लम के। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैं स्कैन कर देता हूँ, अब देखता हूँ कि क्या कोई एक और भी ऐप है जो हमारे मोबाइल को हार्मफुल पहुँचा रहा है। तो दोस्तों जहाँ पे स्कैनिंग हो रही है प्रोग्रेस, आप दोस्तों देख सकते हो नो हार्मफुल ऐप फाउंड। तो दोस्तों जहाँ पे इस तरीके से हम अपने मोबाइल के अपने एप्लीकेशन को सेफ भी रख सकते हैं, मोबाइल को सेफ भी रख सकते हैं और दोस्तों हैंगिंग प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं और अपना मोबाइल जो है ज़्यादा दिन तक चलाने की कोशिश भी कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप इस सेटिंग को कर पाएंगे। क्या करना है दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक आपको डिवाइस एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ऊपर उसके बाद दोस्तों गूगल प्ले प्रोटेक्ट का ऑप्शन आता है, इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों एक सेटिंग का ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे हर एक चीज़ को ऑन कर देना है, ठीक है। जिससे आप ये देख सकते हो मैंने दोनों को ऑन किया है, यहाँ पे इम्प्रूव हार्मफुल ऐप डिटेक्शन यानी डिटेक्शन, तो यहाँ पर क्या है इसको ऑन कर देंगे तो तुरंत ही आपको गूगल जो है अननोन ऐप्स ऑप्शन को अननोन ऐप को तुरंत आपके पास जो आपके मोबाइल के लिए हार्मफुल है उसको आपको सामने पेश कर देगा और आप दोस्तों क्या है उसको देख सकेंगे और अपने डिवाइस को सेव भी कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस सेटिंग से बच सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने इस सेटिंग से कुछ आपके लिए अगर ये सेटिंग यूजफुल हुई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मिलते दोस्तों नए वीडियो में नए टेक के साथ, तब तक लिए जय हिंद।